You are welcome in online classes of advanced senior secondary school. देखो भाई, हमने रदरफोर्ड मॉडल को पढ़ा था भाई। रदरफोर्ड मॉडल ने बताया कि कुछ का डिफ्लेक्शन क्या होता है, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाती है कुछ, एक 20,000 में से एक अल्फा लीफ कैसी आई जो टकरा के वापस आई थी। उसने बताया था कि लंग स्पेस क्या उसमें खाली है, क्या उसमें खाली है, बीच में पॉजिटिव चार्ज है जो बॉडी प्रेजेंट है, तो उसके कुछ पोस्टुलेट है, वो पोस्टुलेट जरूरी नहीं बोले। पोस्टुलेट ऑफ रदरफोर्ड अल्फा स्केलिंग एक्सपेरिमेंट, यानी हमने जो बातें बताई कि अल्फा पार्टिकल सीधे गए हैं, टकराए हैं, वापिस आए हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनके जो जितने भी ऑब्जर्वेशन थी उसके बेस पे कुछ पोस्टुलेट बनाए गए, कुछ सिद्धांत बनाए, उनकी हम बातें करते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है, लिखो एंटायर मास, यानी एंटायर क्या होता है, समस्त सारा, एंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज, एंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज इज, एंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन इन सेंटर दैट इज कॉल्ड ए न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड ए न्यूक्लियस। नोट करो इस चीज को, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, जितना भी मास प्रेजेंट है, वो एटम के कर्व होगा सेंटर में। अब लिखना जरूरी नहीं भाई इन द सेंटर ऑफ एटम, समझ जाओगे भाई, बात किसकी हो रही है, एटम्स की, तो एटम के सेंटर में उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस, नोट करो भाई, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। थर्ड, मोस्ट ऑफ स्पेस, ये तो उसमें बता, मोस्ट ऑफ स्पेस, ये पोस्टुलेट याद हो, इसी से पता चलेगा याद है कि नहीं, मोस्ट ऑफ स्पेस, इसको समझ रहा था, पोस्टुलेट याद करने पड़ेंगे, मोस्ट ऑफ स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। फोर्थ पोस्टुलेट, अब मास ऑफ न्यूक्लियस या मास ऑफ एटम कुछ भी लिखो, इसके बराबर होगा बताओ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में तो कुछ मास होता ही है, तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो अब न्यूट्रॉन ही बोलेंगे क्योंकि न्यूट्रॉन की हमें पता ना कि, अब क्या लिखोगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रल पार्टिकल्स, क्या लिखेंगे, न्यूट्रल पार्टिकल्स, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, जो कि जेंट सेट के लिए आगे पता है इसको हम न्यूट्रॉन क्या, तो ये न्यूट्रॉन का ना मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस, हालांकि क्या है न्यूट्रॉन, लेकिन यहां पे लिखेंगे न्यूट्रल पार्टिकल्स, क्योंकि हम आगे डिस्कस करेंगे भाई किसने खोज के कैसे बताया इसको। ठीक है, फिफ्थ पोस्टुलेट देखते हैं, फिफ्थ पोस्टुलेट, इसका फिफ्थ पोस्टुलेट क्या होगा, There is electrostatic force of attraction. There is electrostatic force of attraction between न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। नोट करो भाई, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। कितने दिखाई दे रहे हैं, हाँ सही है, ठीक है, सिक्स पोस्टुलेट होगी, कौन सी सिक्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन, बस इलेक्ट्रॉन्स
कैसी मोशन से उसे करता है, पहले लेटरी मोशन, पहले लेटरी मोशन, प्लेनेट की तरह घूमता भी, और आगे बात से हिंदी प्लेनेटरी मोशन, ठीक है, इसको लिखो, ये हमारा बनता है पोस्टुलेट ऑफ पे, किससे पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट ऑफ पे अल्फा स्कैटरिंग रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है भाई। इससे आगे जो भी न्यूटन की खोज, जो भी चैडविक ने बताई थी, मोजले ने बताया, फिर चैडविक ने उसकी जो डिस्कवरी थी उसके बारे में डिस्कस करें।